आज का ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप लोग पूरा शॉक्ड होने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा अपनी वाइफ ज्योति का यूट्यूब अर्निंग इस महीने का, जो अभी महीना चल रहा है जून मंथ का अर्निंग देख करके आप लोग जो है ना थोड़ा पागल टाइप के होने वाले हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतना कम व्यूज में इतना पैसा कैसे बन गया। वो भी सिर्फ एक दिन का अर्निंग है 11 लाख रुपया। अभी एज ए प्रूफ मैं सब कुछ दिखाने वाला भी हूँ। अभी दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाला था, मैंने दिखाया था ज्योति का एक दिन का यूट्यूब अर्निंग, इस महीने का यूट्यूब अर्निंग। पहले तो वो रील देखो आप लोग। दोस्तों इस महीने का ज्योति का यूट्यूब का पेमेंट कितना आने वाला है देखिएगा, पागल हो जाएगी। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए 11 लाख रुपया सिर्फ इस महीने के एडसेंस में बना हुआ है। देखिए आप लोग रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, रेवेन्यू पे गए और ये देखिए इसका मंथली बनता है 16,000, 21,000, 25,000, 11,000, 8,000 मई में बना है, और जून में अभी सिर्फ 14 दिन ही हुआ है, 13 दिन हुआ है और 11,22,000 रुपए बना हुआ है। ठीक है, और करेंसी INR में है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बोल देगा कि करेंसी चेंज कर दिया है ऐसा वैसा, बहुत कुछ है। देखिए INR इंडियन रुपीज में किया हुआ है ना, और इसी में देख लीजिए 11 लाख रुपया। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पूरा रील देख लिया, जून मंथ का उसका अर्निंग है 11 लाख रुपया कुछ पैसा, ठीक है 11 लाख कुछ हजार है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उसका, मैंने दोस्तों पूरा मंथ का अर्निंग भी दिखाया कि उसका जो एवरेज अर्निंग होता है वो महीने में 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह का होता है, लेकिन भाई इस महीने में 11 लाख रुपया कैसे अर्निंग हो गया। और आप लोग अगर उसका जा करके एनालिटिक्स चेक करोगे तो इस महीने का व्यूज कितना है, सिर्फ 12 लाख। 12 लाख व्यूज पे 11 लाख रुपया, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एक व्यू पे 1,000 रुपया अप्रोक्स। तो उस हिसाब से तो मेरे भाई चैनल पर 15 से 20 मिलियन मंथली व्यूज आता है। 20 मिलियन मतलब होता है 2 करोड़, तो मेरा तो महीना में 2 करोड़ रुपया हो जाना चाहिए, है ना? तब तो भाई पता नहीं मैं यहाँ रहता या फिर क्या करता। 2 करोड़ रुपया अगर पर मंथ अर्निंग हो जाए किसी का तो क्या ही हो जाएगा। तो अभी वो रील डालने के बाद दोस्तों उस रील पे 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, और उस रील पे सबसे ज्यादा कमेंट ये है कि इसका फुल वीडियो कब आएगा, क्योंकि मैंने रील पे बोला हुआ था कि मैं इसका फुल वीडियो लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि इतना अर्निंग उसके चैनल पर हुआ कैसे। तो आज फाइनली वो वीडियो आ चुका है, मैं बताता हूँ वो अर्निंग कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और अगर कोई ट्रिक है तो आप कैसे लगा सकते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यूट्यूब पर अर्निंग जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी की बेस पे होता है, ठीक है? जैसे किसी का टेक चैनल है, किसी का कॉमेडी है, किसी का ब्लॉग है, तो हर किसी का अलग अलग अर्निंग होता है। पर 1,000 व्यू पे सबका RPM अलग होता है। जैसे पर 1,000 व्यू पे मेरा टेक चैनल पर जितना देता है उसका आधा मेरा ब्लॉग चैनल पर देता है, टेक पे उससे डबल हो जाता है। उसी तरह का अगर किसी का फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता है, कोई स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाता है, तो उसका मेरे से 4 गुना भी अर्निंग हो सकता है। उसी तरह से अलग अलग अर्निंग होता है। लेकिन ज्योति का जो चैनल है वो क्या चैनल है भाई, कैटेगरी क्या है? ब्लॉग। और ब्लॉग पे जैसे कि मैंने बोला कि मेरा टेक चैनल का आधा अर्निंग होता है ब्लॉग चैनल पर, तो क्या ये पॉसिबल है कि 12 लाख व्यूज पे 11 लाख रुपया बन जाए? तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा ये कभी पॉसिबल है ही नहीं कि 12 लाख व्यूज पे 11 लाख रुपया बन जाए। अगर ऐसा होता तो भाई आज अंबानी फेल हो जाता। इतने बड़े बड़े यूट्यूब पर यूट्यूबर है, सौरभ जोशी का पर डे 5 मिलियन व्यू आता है, महीने में 150 मिलियन व्यू आता है, तो उसका मंथली अर्निंग कितना हो जाता? 150 करोड़, मतलब 1.5 अरब। 1.5 अरब अगर कोई महीने में कमा ले तो भाई अंबानी भी फेल, उस हिसाब से है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। काफी लोगों ने कमेंट में वहां पर बोला भी है कि ये कोई ग्लिच होगा, कोई बग होगा। तो जी हाँ दोस्तों, उस दिन का यूट्यूब का ये कोई ग्लिच ही था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से 11 लाख कुछ हजार रुपया यहाँ पर क्रेडिट हो गया था एक दिन में ज्योति वाले चैनल पर। वो जब ही सुबह मतलब जब वो YT स्टूडियो एप्लीकेशन खोली तो हम लोग खुद देख करके शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर हमने पता किया, यूट्यूब टीम से बात की तो पता चला कि ये कोई ग्लिच है। उसके बाद ये महीने का जो एंड डेट आएगा जब 11 तारीख को एडसेंस पे क्रेडिट होगा, तब वो पैसा क्रेडिट ही नहीं होगा, वो पूरा का पूरा माइनस होकर के जो रियल अर्निंग है वही होगा, जो कि उसका रियल अर्निंग पर डे $5 से $7 बनता है, महीने का $150 से $200। तो वो पूरा एक ग्लिच था। तो आप लोग ऐसा कोई ट्रिक नहीं है भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग यहाँ तक कि मुझे कमेंट करके रखा हुआ है उस रील के वजह से कि क्या ट्रिक है बताओ, हम लोगों को भी, हम लोग भी लगाएंगे, क्योंकि कोई भी चाहेगा मेहनत इतना ही करना है, इतना पैसा कैसे बन जा रहा है। तो मैंने सबको मैसेज में बता चुका है कि ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ये ग्लिच था। बाकी सब लोग समझ में आ गया है यूट्यूब पे ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 12 लाख व्यूज पे 11 लाख रुपया बन जाए। बाकी आप लोग अपना कमेंट पे राय बताना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।